Hello friends, welcome to the another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 10th chapter of Standard 4 science book. The name of the book is Startup Science and the name of the chapter is Rocks and Soil. The 10th chapter of Standard 4 science book, Rocks and Soil. We will start reading the chapter. Rocks. We have learned in previous classes that our earth is made of rocks and minerals. In fact, rocks are found all over the earth. Each of them is made of two or more minerals. Rocks differ in their size, shape, color, composition and use. Example of some rocks are granite, marble, sandstone, pumice, slate. Wind, water and temperature act continuously on the rocks. This results in breaking down of rocks into smaller and smaller pieces. These pieces ultimately turn into sand. When this sand mixes with decaying plants and animals, it forms soil. Soil is the topmost layer of the earth's surface. It is important to all forms of life on earth. It consists of sand, humus, water and air. हमने अपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है पृथ्वी है वह रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई है ना, पत्थरों और खनिज पदार्थों से, मिनरल्स से बनी हुई है. मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स के साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी, ऐसे भी सब्सटेंसेस मिले हुए रहते हैं जिनको हम रॉक्स से अलग कर लेते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस से, और वह हमारे बहुत सारे फैक्ट्री में वो सब यूजेज आते हैं. वो जो खनिज पदार्थ होते हैं जो रॉक्स से हम अलग करके निकालते हैं, वो फैक्ट्रीज में और अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन में वो सब बहुत यूज आता है, उनको कहते हैं मिनरल्स. ठीक है, और जिस रॉक से मिनरल ज्यादा अमाउंट में मिल पाए, अच्छे अमाउंट में और बहुत ही कम खर्चे से हम लोग वो मिनरल को निकाल पाए, तो वो रॉक को उस मिनरल का क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. ठीक है, वो रॉक उस मिनरल का ओर होगा, जैसे आयरन ओर. तो आयरन का वह रॉक जिसमें से कि आयरन जो मिनरल है उसको हम ज्यादा अमाउंट में निकाल पा रहे हैं वहां से. वो पत्थर, बहुत सारे पत्थरों में आयरन मिलता होगा, पर जिस पत्थर से ज्यादा अमाउंट में और चीप मेथड से हम निकाल पाएंगे वो आयरन का ओर कहलाएगा. तो हम ये पहले क्लासेस में पढ़े हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई है. रॉक्स अर्थ के ऊपर हर तरफ पाए जाते हैं. ठीक है, और हर एक रॉक में एक या एक से ज्यादा मिनरल होता है, एक या एक से ज्यादा मिनरल से बना हुआ रहता है रॉक. हर रॉक जो है, हर एक पत्थर दूसरे से कैसे अलग होता है? उनका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, आकार अलग होता है, कलर अलग होता है, रंग अलग होता है, कॉम्पोजिशन अलग रहता है, किस किस चीज से वह बने हुए हैं वह अलग रहता है, और यूज, और हर एक पत्थर को या का जो मिनरल्स है उसका अलग अलग यूज होता है. कुछ एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमिक और स्लेट होते हैं कुछ पत्थरों के एग्जांपल. क्या होता है जब ये पत्थरों के ऊपर बहुत तेज हवा चलती है या बहुत बारिश होती है, या फिर जब बहुत गर्मी होती है ये पत्थर थोड़े थोड़े एक्सपैंड होते हैं, फिर जब ठंड आती है पत्थर थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली होता रहता है. विंड, वाटर और टेम्परेचर उन पे एक्ट करता रहता है, तो फाइनली धीरे धीरे टूटने लगते हैं ये पत्थर, और ये टूट टूट के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और फाइनली ये सैंड में चेंज हो जाते हैं, बालू में चेंज हो जाते हैं. और जब यह सैंड सड़ते हुए पौधों और एनिमल्स के साथ मिलता है, सड़ सड़ के पौधे एनिमल्स कहाँ गिरते हैं? नीचे लैंड पे, जमीन पे ही गिरते हैं पौधे और एनिमल्स, मर मर के सड़ के गिरते हैं. तो जब ये वो सड़े हुए पौधे और एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स के साथ, सड़ते हुए मरे हुए एनिमल्स के साथ जब यह सैंड, पत्थरों से टूटा हुआ सैंड मिक्स हो जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वो सब मिलकर क्या बनाता है? सॉयल बनाता है, हमारे अर्थ का ऊपर का लेयर बनाता है, सॉयल, मिट्टी बनाता है. ठीक है, सॉयल, सॉयल क्या है? हमारे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ की जो, पृथ्वी की जो सतह है, उसके सबसे ऊपर का जो लेयर है वह कहलाता है सॉयल. है ना, पृथ्वी की सतह के अंदर अंदर बहुत सारा लेयर है, नीचे 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 जाते से जाते जाएंगे, तो जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाली परत है, वह कहलाएगा सॉयल. वह जो है जितने भी जीवित प्राणी है इस पृथ्वी पे, उन सब के लिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सॉयल की जरूरत सबको पड़ती है. सॉयल में क्या क्या रहता है? सैंड, ह्यूमस, वाटर और एयर. सैंड मतलब बालू रहता है, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा रहती है, और एक क्या? ह्यूमस. अब ह्यूमस क्या होता है? जंगलों में या किसी भी जगह पे अगर पेड़ पौधे जो मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो भी मर के नीचे नीचे के जो झाड़ियों वाले पौधे होते हैं उनके साथ वो सूख सूख के
क्या होता है, नीचे की मिट्टी में मिक्स होने लगते हैं। जब वो नीचे की मिट्टी में मिक्स होने लगते हैं, मरमर के नीचे गिरते हैं, तब क्या होता है कि उनको जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब उनको खाना शुरू कर देते हैं। और बैक्टीरिया वायरस खा खा के बहुत अपना पॉपुलेशन भी वहां बढ़ा लेते हैं। फिर ये बैक्टीरिया वायरस भी कई बार मर मर के वहीं पे मिल जा सकते हैं वो मिट्टी में। तो इस तरह वो जो टोटल मिट्टी होता है वह बहुत ही ये होता है ग्रीन कलर का हो जाता है, और बहुत ही वो जिस भी सॉयल में मिल जाएगा उस सॉयल को बहुत फर्टाइल बना देता है, उपजाऊ बना जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर चेंज हो जाता है, सड़ते मरे हुए प्लांट एनिमल को जब बैक्टीरिया वायरस खाते हैं और वो सड़ना शुरू करते हैं, तो वह ह्यूमस में बदल जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोग के सॉयल में तब क्या क्या रहता है, बालू है, ह्यूमस है, वाटर है, एयर है, ये सब कुछ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉयल किस तरीके से बनता है। Soil formation. The formation of soil takes place over hundreds and thousands of years. Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. The hard rocks present on the surface of the earth are heated up by the sun and cooled down by rain and wind. Due to this constant heating and cooling, they develop cracks. With the passage of time and continuous action of wind, water and temperature, these cracks get bigger and bigger. As a result, the rocks break up into smaller pieces. They are then carried away by wind and water. When these pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravel, and finally sand. This sand gets mixed with humus and forms soil. Extremely fine sand is called dust. ठीक है, ये जो पृथ्वी की सतह के सीधे सबसे ऊपर वाला लेयर है, सॉयल जो है, उसको बनने में हजारों और कितने सौ सौ साल लगे हैं उसको बनने में। ठीक है, वो कैसे बनता है, जब रॉक्स और मिनरल्स का वेदरिंग होता है। वेदरिंग क्या होता है, जब रॉक्स और मिनरल पे विंड, वाटर, टेम्परेचर एक्ट करता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक्स टूटने लगते हैं, उनसे उनके मिनरल्स पार्ट भी टूटने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। और वह टूट के फिर क्या बन जाते हैं, सॉयल बन जाते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी के ऊपर हार्ड रॉक्स है, पूरा कठोर कठोर जो हार्ड हार्ड बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, सब कुछ जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होता है, दिन में सूर्य की रोशनी से वह पूरा जो है बहुत गर्म हो जाते हैं, और जब बारिश होती है वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, हवा चलती है वो ठंडे हो जाते हैं। इस तरह अक्सर रोज ही ऐसा होता है, वो बहुत गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते जाते हैं। इस कारण उनमें क्रैक आ जाता है, ये चट्टानों पत्थरों में क्रैक आ जाता है। और जैसे जैसे समय आता बीतता जाएगा, कंटिन्यूअस उस पर विंड, वाटर, टेम्परेचर उस पर काम कर रहा है, टेम्परेचर मतलब तापमान है ना, गर्मी ठंडा काम कर रहा है, विंड वाटर सब काम कर रहा है, तो उन पत्थरों में जो क्रैक है वो बड़े से बड़ा होता जाता है। इसी कारण क्या है कि ये पत्थर छोटे 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 पीसेस में टुकड़ता जाता है, अलग अलग होता जाता है, और फिर ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हवा और पानी अपने साथ उड़ा के बहा के दूसरी जगह पे ले जाती है। और जब ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ घिसते हैं, रब करते हैं, तब ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, पेबल्स कहते हैं। पेबल्स होता है और ग्रेवल भी होता है, और फाइनली सैंड बन जाता है। जब एकदम भी और पत्थर का पीसेस रहा ही नहीं तो वो सैंड बालू बन जाता है। ये सैंड में फिर क्या होता है, ये जो बालू है उसमें ह्यूमस मिल जाता है और वो सॉयल बन जाता है। ठीक है, अब एक्सट्रीमली फाइन सैंड, अब कई बार जाएंगे ना समुद्र के साइड में जाएंगे या नदी के साइड में जाएंगे, तो वहां का सैंड उठाएंगे ना तो वो पूरा सॉफ्ट सिल्कन के जैसा लगता है, लगता है सिल्की सिल्की फीलिंग होता है, क्योंकि वो बहुत ही फाइन सैंड है बिल्कुल। तो एक्सट्रीमली फाइन सैंड जो होता है उसको डस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको डस्ट कहते हैं। कई बार जो है ये सब जो होता है, जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बिल्डिंग बन रहे हैं, वहां पे डस्ट लाके जमा किया जाता है उसको, एक्सट्रीमली फाइन सैंड को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पेबल्स एंड ग्रेवल के बारे में। पेबल्स एंड ग्रेवल, पेबल इज अ स्मॉल स्टोन विच इज नेचुरली स्मूथ एंड राउंडेड, ग्रेवल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स दैट इज कोर्सर देन सैंड। पेबल्स एंड ग्रेवल आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। Some of their uses are as follows. They are used in statues, flooring, parks, gardens, fountains, etc. Gravel is widely used in concrete and is a surfacing for roads and driveways. ठीक है, पेबल क्या है, जैसे मैं बता रही थी कि पेबल जो है वो छोटा पत्थर है जो कि स्मूथ लगता है, कहीं से चुभता हुआ सा नहीं लगता और राउंड होता है। जैसे मैं बता रही थी नदी के साइड में जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं गोल गोल टाइप के, तो वो पेबल है। और ग्रेवल क्या है, ग्रेवल जो है वो पत्थरों के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स है, रॉक्स के फ्रैगमेंट्स है, कोर्सर देन सैंड। अगर सैंड से थोड़ा ऊपर लेवल पे हम जाएंगे,
सैंड तो बहुत पाउडर जैसा थोड़ा हो गया, उसके ऊपर लेवल पे हम जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़ों को जो जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, चिप्स कहना शायद ठीक होगा, जो चिप्स हम लोग घर बनाते समय यूज होता है, छोटे छोटे पत्थर टुकड़े होते हैं तो वो सब है ग्रेवल है, मतलब वो चिप्स से भी और छोटे टुकड़े होते हैं उनको ग्रेवल कहेंगे। तो पेबल क्या है, पेबल थोड़ा स्मूथ है, नोकीला पत्थर नहीं होता, पर ग्रेवल नोकीला भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी शेप का हो सकता है और सैंड से मोटा होता है। ठीक है, तो जब सॉयल बनता है उसी प्रोसेस में पेबल और ग्रेवल भी बनते हैं। उनके यूज क्या है, जब हम लोग स्टैच्यू बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, कहीं के एरिया में फ्लोर बना रहे हैं, घर के भीतर का फ्लोरिंग बन रहा है, हाँ जमीन बन रहा है, पार्क में ग्रेवल को पेबल को गोल गोल पत्थरों को रोड पार्क के रोड पे डाला जाता है, साइड साइड में गार्डन में फाउंटेन्स में भी डालते हैं अंदर अंदर कि वो सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, ये सबको यूज करते हैं। और ग्रेवल को कहाँ यूज करते हैं, इज वाइडली यूज इन कॉन्क्रीट एंड एज सर्फेसिंग फॉर रोड्स एंड ड्राइवेज। जब रोड बन रहा है, रोड के ऊपर का सरफेस को बना रहे हैं, या जिस जगह पे गाड़ियां ड्राइव होने के लिए जगह बनाया गया है ड्राइव करने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि सीमेंट के मिक्सचर के साथ जो है ये ग्रेवल को भी मिक्स किया जाता है कॉन्क्रीट में। कॉन्क्रीट क्या होता है, जब सीमेंट बालू और छोटे छोटे पत्थर के फ्रेगमेंट्स के सब टुकड़ों को मिक्स करते हैं तो कॉन्क्रीट बनता है। ठीक है ना, तो उसी में जो है कॉन्क्रीट भी एग्जैक्टली वैसे बोलना ठीक नहीं है उसको, कॉन्क्रीट जो है कि जब हम लोग पत्थर बालू मिट्टी पत्थर बालू सीमेंट और ये ग्रेवल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को सबको मिक्स करके पूरा किसी एरिया को पूरा सीमेंटेड बना देंगे, हार्ड बना देंगे, उस पूरा हार्ड हो जाता है तो हम बोलेंगे ये कॉन्क्रीट तैयार हो गया, जिस तरह ये कॉन्क्रीट का बिल्डिंग सब होता है। ठीक है, तो जब वो कॉन्क्रीट को तैयार किया जाता है, वो कॉन्क्रीट रोड को की कंक्रीट बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है, उस समय जो पत्थरों को यूज करते हैं वह कहलाएंगे ग्रेवल। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल। सॉयल वेरीज इन कलर टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉयल, सैंडी क्लेई एंड लोम। सैंडी सॉयल कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स, इट इज ड्राई एंड लाइट, इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। क्लेई सॉयल इज कम्पोज ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, इट इज स्टिकी इन नेचर and can hold a lot of water. Loam is a mixture of sand and clay. It can hold air and water. It contains humus. अब है कि soil, types of soil, हाँ तरह तरह के soil क्या होते हैं, तो जो है soil एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी से क्या किस रूप में अंतर दिखाई देती है, उनका कलर अलग दिखाई देता है, कहीं ब्लैक सॉयल होता है, कहीं पर रेड सॉयल होता है, टेक्स्चर अलग होता है, कहीं कहीं के सॉइल में ग्रेवल ज्यादा होगा, कहीं के सॉइल में पेबल ज्यादा होगा, कहीं के सॉइल में सैंड ज्यादा होगा, वो उनका कॉम्पोजिशन है, कहाँ किस सॉइल में क्या चीज ज्यादा मिला हुआ है उनका कॉम्पोजिशन है, टेक्सचर है कि वो सॉइल कितना मोटा है कितना फाइन है वो उनका टेक्सचर है। कलर तो आप समझ ही रहे हैं, तो तीन तरह के सॉइल होते हैं, सैंडी क्लेई और लोम। सैंडी सॉइल में बालू के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, सैंड के बिग पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल में, इसलिए उसका नाम ही सैंडी सॉइल है। वो बहुत ड्राई और हल्का रहता है और वो वाटर होल्ड नहीं करेगा, सैंडी सॉइल में पानी जाने से भी वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, पानी उससे बहके निकल जाएगा, इसलिए वो ड्राई रहता है, उसमें बालू ज्यादा रहता है सैंडी सॉइल में। क्लेई सॉइल इज कम्पोज ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, इट्स स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। क्लेई सॉइल क्या है कि वो बालू से भी सैंड से भी और ज्यादा फाइन टेक्सचर का उसका रहता है, हाँ थोड़ा सॉफ्टनेस ज्यादा लगता है और वो उसमें बहुत पानी वो होल्ड कर पाता है, इसलिए जब हम लोग उस मिट्टी को चूते हैं तो वो स्टिकी स्टिकी लगता है, लगता है कि हाथ में चिपकेगा, हाँ इस तरह का वो होता है। नॉर्मली जो मिट्टी होती है गार्डन्स वगैरह में वो क्लेई सॉइल। हाँ, और एक है लोम। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। और एक तरह का, एक सैंडी सॉइल हमने पढ़ा, एक क्लेई सॉइल पढ़ा और एक लोम पढ़ रहे। लोम में क्या रहता है, सैंड भी रहता है और क्या रहता है, क्ले भी रहता है, मतलब बालू भी मिला हुआ रहेगा और ये गीली मिट्टी भी मिली रहेगी, और इसके कारण उसमें एयर को पकड़ने की भी कैपेसिटी होती है लोम में, और वाटर को भी। लोम सॉइल में एयर भी अंदर रहता है, हवा भी रहती है और पानी भी रहती है, और उसमें ह्यूमस भी रहता है। तो सबसे अच्छा सॉइल यही हुआ ना लोम सॉइल। हमने ये सब पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन।
Just like rocks, soil is also continuously acted upon by the elements of nature like the sun, wind and water. Wind and water carry soil from one place to the other. During this process, the top layer of the soil, which is rich in humus and thus very fertile, is blown or washed away with wind or water respectively. This is called soil erosion. Thus, we can define soil erosion as the removal of the fertile topsoil by the action of water and wind. Besides wind and water, there are some other factors which are also responsible for the erosion of soil. You will study about them in higher classes. ठीक है? देखिए, जो सबसे ऊपर का layer है वह क्या है? Soil कहलाता है. अब soil में भी तीन layer होता है. तो जो soil का पीछे सबसे ऊपर का layer रहता है, वह बहुत ही उपजाऊ होता है, fertile होता है. तो कई बार क्या होता है कि यह जो फर्टाइल टॉप सॉइल होता है, सबसे ऊपर वाला सॉइल को हम क्या कहेंगे? टॉप सॉइल कहेंगे, जो कि बहुत ही उपजाऊ और फर्टाइल होता है. तो कई बार क्या होता है कि ये फर्टाइल टॉप सॉइल जो है, हवा, बारिश, ये सब के कारण जो है वह उड़ जाता है या धुल जाता है, इसके कारण वहां का सॉइल और फर्टाइल रहता नहीं है. ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि रॉक्स के ऊपर क्या काम कर रहा है, विंड, वाटर और टेम्परेचर के कारण रॉक्स टूट जा रहे हैं ना, उसी तरह से जो है सॉयल, जब जोर की हवा चलती है या बहुत जोर से बारिश होती है, पानी बहने लगता है, तो सॉयल को वो बहा के या उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब सॉयल उड़ के या बह के जाने लगता है, तो जो सॉयल का सबसे ऊपर टॉप लेयर जो होता है, जिसमें कि ह्यूमस सबसे ज्यादा रहता है और जो कि बहुत फर्टाइल रहता है, वह धुल जाता है या हवा उसको उड़ा के ले जाती है. यानी हवा से वह उड़ जाता है या पानी से वह धुल जाता है. इस कारण जो है उसका ह्यूमस भी धुल जाता है और वह सॉयल और फर्टाइल रह नहीं पाता है. इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सॉयल इरोजन कहते हैं. ठीक है, तो सॉयल इरोजन को अगर परिभाषा कहनी हो या डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉयल By the action of wind and water, टॉप फर्टाइल सबसे ऊपर के जो उपजाऊ मिट्टी है उसका हट जाना, चाहे हवा से या पानी से, उसी को सॉयल इरोजन कहेंगे. उसके अलावा, हवा और पानी के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण सॉयल इरोजन होता है. हाँ, आप जैसे जैसे बड़े क्लासेस में चाहते जाएंगे, आप उन अलग नए कारणों के बारे में भी जानते जाएंगे. Soil erosion is a natural process and the amount of soil displaced or removed is balanced by the amount of soil formed in nature. But due to increasing human activities like cutting of trees called deforestation and building of roads and industries, the pace at which soil is eroded is exceeding the pace at which soil is formed. We need to take some immediate steps to stop this. If we don't, we will be left with very little soil and thus very few plants growing around us. Hence, our needs will not be fulfilled. ठीक है, सॉयल इरोजन जो है वह एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है सॉयल इरोजन. और जितनी भी मात्रा में सॉयल वहां से हट जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है या वहां से हट जा रहा है, उतनी ही मात्रा में प्रकृति नए सॉयल को बना देती है. ठीक है, जितना सॉयल उड़ के या बह के वहां से चला जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, उतनी ही मात्रा में बैलेंस करके प्रकृति नए सॉयल को वहां पे जमा कर देती है, बना देती है. पर आजकल क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गया है ना, जनसंख्या बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ह्यूमंस के एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन बींग्स ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण जो है सॉयल इरोजन ज्यादा स्पीडली हो रहा है और सॉयल फॉर्मेशन लेस स्पीड से हो रहा है. सॉयल इरोजन स्पीडली हो रहा है और नया सॉयल बनने का रेट थोड़ा स्लो हो जा रहा है. ठीक है, कैसे एक्टिविटीज? कटिंग ऑफ ट्रीज, डीफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देना है ना. जब पेड़ के जो बड़े बड़े रूट्स होते हैं, जड़े होती हैं, वह मिट्टी को पकड़ के रखती है, टॉप सॉयल को पकड़ के रखती है. पर अगर हम बहुत सारे पेड़ काट देंगे तो जो है टॉप सॉयल लूज हो जाता है और हवा और पानी से बह जाता है ना. तो जब है कि, और चूंकि आजकल पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, वो अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटते ही जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि रोड्स उनको बनाना है, इंडस्ट्रीज बनाना है, वो सब में उनको लकड़ियों की जरूरत है, रोड्स और इंडस्ट्रीज बनाने में. तो इसी कारण जो है पेड़ कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है और उसके कारण जो है सॉयल इरोजन होते जा रहा है. रूट्स और सॉयल को पकड़ के रह नहीं पा रहे, क्योंकि रूट्स तो है ही नहीं, सॉयल वहां से धुल के या बह के या हवा से उड़ के वहां से हट जा रहा है और उतनी जल्दी नया सॉयल बन नहीं पा रहा है.
तो इस तरह तो हमारी सारी उपजाऊ मिट्टी खत्म होती जा रही है। अभी किसी किस कोई कोई एरिया तो पूरा बंजर ही हो जाएगा, वहां उपजाऊ मिट्टी और बचेगी ही नहीं। इसीलिए हम लोग को कुछ इमीडिएट स्टेप, मतलब तुरंत के कुछ स्टेप्स लेने होंगे इसको रोकने के लिए। अगर हम लोग इन सारे स्टेप्स को नहीं लेंगे तो हमारे पास बहुत ही थोड़ी उपजाऊ मिट्टी बचेगी, जहां पे कि बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और जब प्लांट्स कम ग्रो करेंगे तो हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि प्लांट से ही हम लोग को सब कुछ मिलता है, 90% चीज सब। अब हम पढ़ेंगे सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल कंजर्वेशन, वी कैन कंजर्व सॉयल एंड चेक सॉयल इरोजन बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स। प्लांटिंग ट्रीज, द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड सॉयल पार्टिकल्स टूगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, देयरफॉर वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। टेरेस फार्मिंग, ऑन द हिल्स वी कैन प्रिवेंट सॉयल इरोजन बाय मेकिंग टेरेसेस अलोंग द स्लोप्स। दिस रिड्यूसेस द फोर्स विथ विच वाटर कम्स डाउन द स्लोप एंड देयर बाय प्रिवेंट सॉयल फ्रॉम बींग वॉश्ड अवे। द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग बाय मेकिंग टेरेसेस ऑन द हिल साइड इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। सॉयल कंजर्वेशन के आपके बुक में चार तरह के तरीके बताए गए हैं। उनमें पहला तरीका है प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पौधों के जो ये होते हैं, रूट्स होते हैं, जड़े होती है, वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है और उसको इरोड होने नहीं देती है, उसको वहां से डिस्प्लेस होने नहीं देती है। इसलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। फिर टेरेस फार्मिंग, ये जो पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनमें से क्या होती है, जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी बहुत तेजी से बह के नीचे आता है, या ऊपर से कुछ नदियां आ रही हैं वह बहुत तेजी से बहती हुई जाती हैं। जब वह बहुत तेजी से बहती हैं, बहुत बारिश होती है, तो क्या करती है, पहाड़ के ऊपर ऊपर की जितनी उपजाऊ मिट्टी है वह सबको वह बहाते बहाते नीचे ले जाती है। तो हम इस सॉयल इरोजन को बचा सकते हैं अगर हम लोग जो स्लोप है, पहाड़ का जो स्लोप है, ढलाव है, वहां पर टेरेसेस बना दे। टेरेसेस मतलब जो है कहना चाहिए सीढ़ियों जैसा बना दे, थोड़ा थोड़ा एक उसका साइड का बाउंड्री को ऊंचा ऊंचा कर देंगे और सीढ़ी जैसा बना देंगे। तो उससे क्या होगा, जब सीढ़ी का जो साइड का ये है बाउंड्री है, वहां पे थोड़ा ऊंचा ऊंचा बना देंगे, तो वह पानी को वहीं रोक रोक के रखेगा, बहुत ही स्पीड से पानी को बहने नहीं देगा। जिस फोर्स से पानी उस ढलाव में बहती हुई आ रही है उसको वह रोक देगा, और वह जो उपजाऊ मिट्टी है वह धुल नहीं पाएगी, थोड़े धीरे धीरे पानी बहेगा। और फिर वो जो हम लोग सीढ़ी सीढ़ी जैसा पहाड़ में बना दिए, गोल गोल सीढ़ियां टाइप की बना देंगे, तो फिर वहां पे हम लोग खेती कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी वहीं जम के रह जाएगी, उपजाऊ मिट्टी। तो इस तरह जो टेरेसेस बना के उस पर खेती की जाए उसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वो ज्यादातर यही सब हिल साइड्स में, मतलब पहाड़ के छोटे छोटे पहाड़ के ढलाओं में किया जाता है। ये तो दो मेथड हम लोग पढ़े सॉयल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। फ्लड इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉयल इरोजन। इफ वी कंस्ट्रक्ट डैम्स टू कंट्रोल फ्लड्स देन सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग, ड्यू टू ओवरग्रेजिंग द टॉप लेयर ऑफ सॉयल बिकम्स लूज एंड इज इजिली ब्लोन और वॉश्ड अवे। स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग कैन प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉयल, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, डैम बनाना। डैम कैसे बनाते हैं, नदी बहती हुई आ रही है, नदी के पानी को एक गोल बाउंड्री बना के वहां पे जमा कर दिया जाता है, जैसे लेक में पानी जमा रहता है वैसे नदी के पानी को एक जगह जमा करके उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है। बाउंड्री के एक साइड में गेट्स जैसा बनाया जाता है, स्लोपिंग गेट्स। जब पानी, मान लीजिए बहुत जोर की बारिश हो रही है, पूरा नदी में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है, नदी में पानी बहुत भर गया है, तो क्या करते हैं हम लोग, वो गेट्स को थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाता है और वहां वो जो हम लोग लेक जैसा पानी जहां जमा करके रखे हैं वहां से पानी उस गेट से बह बह के थोड़ा चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि क्या होता है, नदी का पानी जब बहुत भर जाता है तो अपने आसपास के गांव को डुबो के ले जाता है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे उसको एक जगह इकट्ठा करके धीरे धीरे बहाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम लोग बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बाढ़ का जो नुकसान होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाढ़ जो है, फ्लड, वो एक सबसे कॉमन कारण है सॉयल इरोजन का। जब बाढ़ का पानी बहुत तेज से पानी बहता है, जब बहुत बारिश होती है और नदियों में पानी भर भर के बहुत तेजी से बहता है, साइड साइड की मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, तो सॉयल इरोजन हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग डैम बना देंगे तो हम लोग बाढ़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और वह सॉयल इरोजन को प्रिवेंट कर सकता है। साथ ही साथ डैम का क्या फायदा होता है, डैम के गेट्स का पानी को कैनाल्स के थ्रू हाँ नहरों की थ्रू की मदद से आसपास के गांव में भेजा जाता है, जहां पे कि लोग खेती कर रहे हैं वहां वह काम आता है।
stopping overgrazing. Due to overgrazing, the top layer of soil becomes loose and is easily blown or washed away. Stopping overgrazing can prevent erosion of soil. ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना. ये जो जितने भी हमारे कैटल है, काउ, बफेलो, शीप, गोट्स, ये सब क्या होता है, ये सब जाते हैं खुले खुले मैदानों में, पौधे खाते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, ठीक है, खा रहे बहुत ज्यादा उस एरिया के सारे पौधे खा गए, सारे घास खा जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, मिट्टी का जो ऊपर लेयर है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, वो लूज हो जाएगा कि सारे घास पौधे इन लोगों ने खा लिए और वो लूज हो जाएगा, मिट्टी लूज हो जाएगी और जैसे ही जोर की हवा चलेगी या बारिश होगी तो सारी मिट्टी धुल के या उड़ के वहां से चली जाएगी. इसीलिए किस एरिया में ये कैटल चरेंगे, किस एरिया में ग्रेजिंग करेंगे, किस एरिया के पौधों को खाएंगे, वो एरिया फिक्स कर देना चाहिए. बस उसी एरिया में उन्हें अलाउ करना चाहिए और दूसरे एरिया में उनको अलाउ नहीं करना चाहिए जहां की मिट्टी की हम लोग की जरूरत है खेत बनाने के लिए, ठीक है. तो इस तरह ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा किसी जगह के में चर जाना, गाय ये कैटल का घास खा लेना, पौधे खा लेना किसी एरिया का बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग कहते हैं. और उसी ओवर ग्रेजिंग को हम लोग को स्टॉप करना है, रोकना है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो. तो देखिए इस तरह मैंने आपके इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीट कर दिया है. आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया, इजी चैप्टर है और आज के समय में बहुत रिलेवेंट भी है. आप लोग को पसंद आ रहा होगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि न्यू वीडियो, न्यू सॉल्यूशंस आते ही आपको अलर्ट मिल जाए, है ना. थैंक यू.